नदियों के बीच हुई मटकी फोड़ प्रतियोगिता। जी आपको बताते चले, रीवा शहर मध्य प्रदेश में उपरहटी स्थित किले में राजघाट में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूर्व पार्षद लखनलाल खंडेलवाल एवं उनकी टीम द्वारा यह आयोजन किया जाता है, जो बिहार और बिसिया नदी के विहंगम में बीचों बीच का ये आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में दर्शक गणमान्य नागरिक इसका आनंद लेते हैं। प्रतियोगिता के विजेता को 5100 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। इस प्रतियोगिता में युवा सैकड़ों की संख्या में भाग लेते हैं। उल्लेखनीय है कि नदी के संगम स्थल में मटकी बांधी जाती है, जिसमें प्रतियोगी भाग लेते हैं। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। इसमें भाग लेने के लिए युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिलता है। सभी की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखकर यह आयोजन किया जाता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा मध्य प्रदेश से रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। आज भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और हर साल की भांत इस साल भी राजघाट क्लब के द्वारा बिहार बिछिया और त्रिवेणी संगम पर यह मटकी फोड़ प्रतियोगिता रखी जाती है। और यही मटकी फोड़ प्रतियोगिता दो नदियों के बीच में मटकी को बांधी गई है और रस्सी के सहारे हाथ के द्वारा मटकी तक जाने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं। जो मटकी तक पहुँच जाएगा उसे 5001 रुपये इनाम, या जो सबसे आगे तक पहुंच जाएगा उसको 1100 रुपये के इनाम दिया जाएगा। और प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी दूर तक पहुंच भी चुके हैं लोग। जो प्रथम अभी तक पहुंच पाया है उसको इनाम दिया जाएगा। हमारा राजघाट क्लब, दिलीप ठहरवानी जी हैं, सुशील बढ़ोलिया जी हैं, राम रतन केवट जी हैं और अशोक वर्मा जी हैं, संतोष शुक्ला जी हैं, सारे लोग हमारी जो क्लब के सदस्य हैं, इन सब के सहयोग से हर साल यह कार्यक्रम यहाँ पर किया जाता है। कितने वर्षों से मनाया जा रहा है? ये करीब 15 वर्षों से लगातार किया जाता है ये कार्यक्रम, और बिना विज्ञापन के। और ये देख रहे हैं जो भीड़ यहाँ पूरी आप देख रहे हैं, किसी को कुछ बताया नहीं गया, कहीं पेपर में नहीं दिया गया, कोई व्हाट्सएप में नहीं डाला, अपने आप ये लगातार इस तरह से एक स्थापित कार्यक्रम हो गया है। इसको देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं और फुल भरपूर मनोरंजन लेते हैं, करते हैं यहाँ पर, और प्रयास करते हैं कि आगे तक पहुँचे और इनाम वो प्राप्त करें। सुरक्षा की क्या व्यवस्था बनाई गई है यहाँ पर, क्योंकि पानी का माहौल है? नहीं, लग जैकेट पहने हुए हैं सभी लोग, और उसके साथ में नाव बगल बगल में चलती रहती है, और जो भी वहाँ पर जाता है चढ़ने के लिए वो तैर के ही जाता है। इस तरह से जानकारी हो जाती है कि तैरने वाला है, और जस्ट सेफ्टी जैकेट उसे पहना दी जाती है और पूरी तरह से सेफ्टी में कार्यक्रम ये करता है। इस तरह का कोई भी प्रकार का दुर्घटना की बात यहाँ पर नहीं है। नहीं, ये पूरे शहर के ही लोग हैं, अपने पूरे हर जात धर्म के लोग यहाँ पर हैं, हर कोई यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। और देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और 225 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और करीब करीब 80-85 लोग अभी तक इसमें जा चुके हैं।
संभवतः 10-15 मिनट और कार्यक्रम चलेगा, अंधेला हो जाएगा, कार्यक्रम को स्टॉप किया जाएगा। तो लगभग 100 लोगों का इसमें प्रतियोगिता में भाग ले चुके होंगे और 225 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, तो 125 लोग वंचित रह जाएंगे जो अगली साल ये फिर अपने को स्थापित करेंगे यहाँ पर और कोशिश करेंगे आगे।